यहाँ पर रोड का एक इन्होंने एक फैसला रखा है कि मई जून के अंदर वहाँ पर पेशेंट हैं वगैरह परेशानियाँ हैं, सिविल जहाज जो वो गुरेज तक चलता है। बारिश करते हैं डिविजनल कमिश्नर साहब से और डीसी साहब से कि हमारा जो दावर से तिरेल का रोड है वो बंद है पिछले 4 महीनों से, सर अभी खोल नहीं रहे। वहाँ पर जो पेशेंट से वो बेचारे आ नहीं सकते, स्ट्रेचर से भी हम नहीं उनको ला नहीं सकते क्योंकि रास्ते में ग्लेशियर से। हम गुजारिश करते हैं कि वो रोड भी क्लियर किया जाए। और बांडीपोरा गुरेज रोड है सर, अभी वो भी बंद है। हमारे टीचर यहाँ पड़े हुए हैं पिछले 1.5 महीने से सर, वो डेली आ रहे हैं, हेलीपैड जा रहे हैं, लेकिन जहाज का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है। सर हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कुछ बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ने आए थे वो भी सर पड़े हुए हैं, औरतें यहाँ पर आकर सर, तो हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम बहुत दूर दराज इलाके के लोग हैं गुरेज तिरेल, मुझे लगता है कि उस इलाके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है हर हर टाइम पे। हमको कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान के हो, असली भाषण दे हो, लेकिन हमें फिर हमारे साथ काम जो है कुछ भी नहीं होता। हमारे रोड्स बनने, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर सर अवेलेबल नहीं है। हम गुजारिश करते हैं इंतजामिया से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कि हमारी तरफ तवज्जो दी जाए और हमारी जो मांग है ये पूरी की जाए ताकि हम जो है अब मुश्किलात का जो है अजाला हो सके।